पिछले वाले वीडियो के अंदर हमने दो चीज़ें सीखी। पहला कि कैसे एक बेसिक पेन ड्राइव को बनाते हैं बूटेबल पेन ड्राइव, और हमने ये जाना कि आप बूटेबल पेन ड्राइव से एक कंप्यूटर के अंदर विंडो को इंस्टॉल कर सकते हो। लेकिन हमने ये नहीं जाना कि भैया विंडोज़ को इंस्टॉल करें तो करें कैसे, और इस बारे में आज का ये वीडियो है। टुडे आई विल टेल यू हाउ टू इंस्टॉल विंडोज़ इन अ पीसी या इन साइड ऑफ अ लैपटॉप बाय यूजिंग अ बूटेबल पेन ड्राइव। तो ये कैसे बनाना है इसका वीडियो आपको मिल जाएगा आई बटन के अंदर, लेकिन इसको बनाने के बाद में हाउ टू इंस्टॉल विंडोज वो आज का वीडियो है। तो वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम फ्लोरेंस है, आप देख रहे हो टेक फेस, एंड लेट्स जस्ट बिगिन द वीडियो राइट अवे। लेट्स डू इट। अब विंडो इंस्टॉलेशन करने के लिए स्टेप नंबर वन होगा कि आपको अपने कंप्यूटर को या लैपटॉप को बंद करके उसके अंदर अपनी पेन ड्राइव यानी कि बूटेबल पेन ड्राइव लगानी पड़ेगी। तो मैं वो कर लेता हूँ फटाफट से। तो मैंने ये पेन ड्राइव यहाँ पे लगा दी है। उसके बाद आप कंप्यूटर को ऑन करेंगे, तो मैंने इसे ऑन कर लिया यहाँ पे। उसके बाद वील एंटर इन टू द बायोस। तो मेरे कंप्यूटर के अंदर डिलीट इज़ द की, तो मैं बार बार यहाँ पर डिलीट प्रेस कर रहा हूँ सो दैट आई कैन जस्ट एंटर इन टू द बायोस एंड हैव अ लुक एट दिस। ये तो अभी अपन आ चुके हैं बायोस के अंदर। अब कंप्यूटर के अंदर यूजुअली आप डिलीट से एंटर कर सकते हो बायोस के अंदर, लेकिन लैपटॉप के अंदर क्या होता है कि अलग अलग लैपटॉप्स के अंदर बायोस में एंट्री मारने के लिए अलग अलग कीज़ होती हैं। तो आपके पास में जो भी लैपटॉप हो, आप गूगल करें कि आपके लैपटॉप के अंदर बायोस में एंट्री मारने के लिए कौन सी वाली की है, एंड वाई आर यूजिंग दैट बटन यू कैन एंटर इन टू द बायोस। एंड बायोस के अंदर कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल आपको चेक करना है क्या कि आपके बायोस के अंदर आपके कंप्यूटर के आपके लैपटॉप की बूट प्रायोरिटी क्या है, यानी कि पहले वो किससे होगा बूट। हमको बेसिकली बूट करवाना है अपने कंप्यूटर को लैपटॉप को वाया द पेन ड्राइव। तो मेरी पेन ड्राइव अंदर लगी हुई है ना, तो मुझे इस पेन ड्राइव से इस कंप्यूटर को बूट करवाना है, इसलिए ऑन द बूट प्रायोरिटी लिस्ट आई एम गोना पुट द पेन ड्राइव ऑन द एकदम टॉप लेवल। ठीक है, तो पहले फटाफट से मैं वो कर लेता हूँ यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है बूट प्रायोरिटी, तो यहाँ पे लिखा हुआ है बूट मेन्यू। आई एम गोना क्लिक ऑन द बूट मेन्यू एंड मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा UEFI सैंडिस पार्टीशन इतना। तो यहाँ मैं जैसे ही क्लिक करूँगा ना, फटाक से मेरा जो कंप्यूटर सिस्टम है वो अब पेन ड्राइव से बूट होगा। ठीक है, कूल। तो अभी ये पीसी पेन ड्राइव से बूट हो रहा है, एंड फाइनली हम आ गए हैं ऑन द मेन विंडो जहाँ से अब हम विंडोज 10 को इंस्टॉल कर पाएंगे इस कंप्यूटर के अंदर। यहाँ पर हम टाइम एंड करेंसी के अंदर सेट करेंगे इंडिया को, एंड वील प्रेस ऑन द नेक्स्ट बटन। फिर हम क्लिक करेंगे इंस्टॉल नाउ के ऊपर, सेटअप स्टार्टिंग लिखा हुआ आएगा यहाँ पे। उसके बाद एक नई विंडो खुलेगी जिसके अंदर आपको अपने विंडोज़ को एक्टिवेट करने के लिए एक की डालनी पड़ेगी, लेकिन मेरे पास में कोई भी की नहीं है इसलिए मैं क्लिक करूँगा आई डोंट हैव अ प्रोडक्ट की के ऊपर। उसके बाद एक नई विंडो खुलेगी जहाँ पे आपको ये डिसाइड करना है कि आपको कौन सा वाला वर्जन चाहिए विंडोज 10 का, यानी कि आपको होम चाहिए या आपको प्रो चाहिए। तो हम गोना क्लिक ऑन प्रो एंड देन हम गोना क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन। फिर कुछ नहीं करना है, हमको एक्सेप्ट करना है, फिर हमको नेक्स्ट करना है, और फिर हमें क्लिक करना है सेकंड ऑप्शन यानी कि कस्टम के ऊपर। कस्टम में क्लिक करने के बाद में एक नई विंडो खुलेगी। यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि आपके जो करंट एग्जिस्टिंग ड्राइव्स हैं वो आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएंगी। यहाँ पे आप चाहें तो फॉर्मेट कर सकते हैं, यहाँ पे आप चाहें तो डिलीट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जो पार्टीशन है उसके अंदर मैं नेक्स्ट नहीं कर सकता हूँ। तो पहले मैं इसको डिलीट करूँगा, फिर मैं इसको न्यू क्रिएट करूँगा, और फिर मैं यहाँ पर नेक्स्ट का बटन दबाऊँगा। अगर आपके पास पहले से पार्टीशन बना हुआ हो तो आप यहाँ पर आसानी से फॉर्मेट क्लिक करके नेक्स्ट का बटन दबा सकते हैं। दैट इज़ गन बी परफेक्टली फाइन फॉर रियल। तो अभी हम फटाफट से यहाँ पर करते हैं न्यू, और हम करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट। और बस यहाँ पे आपके सारे के सारे इंपॉर्टेंट काम खत्म हो चुके हैं। ऑल यू हैव टू डू राइट नाउ इज़ वेट। आप बस इंतजार करेंगे यहाँ पे अराउंड 5-10 मिनट के लिए, सो दैट आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है, आपका जो लैपटॉप है, वो हो जाएगा रीस्टार्ट। एक बात का और ध्यान रखें कि अगर आपके कंप्यूटर के अंदर अगर आपने लगा के रखी हुई है अपने इंटरनेट की केबल यानी कि ईथरनेट केबल, तो आप उसको अनप्लग कर दीजिए, बिकॉज यही टाइम है कि आप अपने इंटरनेट को यहाँ से निकाल देंगे तो बेटर रहेगा। तो नेट को निकाल देंगे और सिर्फ वेट करेंगे 5-10 मिनट का, सो दैट हमारा जो पीसी है या जो हमारा लैपटॉप है वो हो जाए एक बार रीस्टार्ट। फिर हम क्लिक करेंगे इंडिया पे, फिर हम क्लिक करेंगे इंडियन कीबोर्ड पे, फिर हम नेक्स्ट करेंगे, फिर हमको क्लिक करना है कि भैया हमको दूसरा कीबोर्ड चाहिए नहीं है, तो हम करेंगे स्किप। फिर हम क्लिक करेंगे कि हम पे इंटरनेट है ही नहीं ऑन द बॉटम लेफ्ट साइड, यानी कि नो इंटरनेट, हमारे पास इंटरनेट नहीं है। उसके बाद हम क्लिक करेंगे, फिर हम क्लिक करेंगे कंटिन्यू विद द लिमिटेड सेटअप के ऊपर। फिर सिंपल इज दैट, आपका यहाँ पे नाम पूछेगा, आप यहाँ पे नाम डालेंगे, नेक्स्ट का बटन दबाएंगे। एंड यहाँ पे मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप इन सारी चीज़ों को ऑफ कर दें, बाकी आप अपने हिसाब से सोच समझ के अपनी चीज़ों को एक्सेप्ट कर सकते हैं या डिक्लाइन कर सकते हैं। मैं यूजुअली ज़्यादा चीज़ें रीड नहीं करता हूँ, तो सीधे सब कुछ ऑफ कर देता हूँ और नेक्स्ट कर देता हूँ। अगर आपको यहाँ पे कोड आना चाहिए तो आप करेंगे एक्सेप्ट, कोड आना नहीं चाहिए तो आप करेंगे नॉट नाउ पे क्लिक। तो मेरे को तो नहीं चाहिए तो हम करेंगे क्लिक ऑन नॉट नाउ।
एंड दैट्स इट। फाइनली आपके कंप्यूटर या लैपटॉप के अंदर विंडो हो चुकी है इंस्टॉल, और अब आप वेट करेंगे जब तक आपका डेस्कटॉप नहीं खुल जाता, और जैसे ही आपका डेस्कटॉप खुल जाएगा वैसे ही आप कंप्यूटर के अंदर अपने इंटरनेट को जोड़ सकते हैं। यानी कि अगर आपके पास में इंटरनेट का केबल है तो आप केबल जोड़ सकते हैं, या आपके पास में वाईफाई है तो आप यहाँ पे वाईफाई जोड़ सकते हैं, एंड ऑटोमेटिकली यूजुअली ऑटोमेटिकली सारे के सारे जो ड्राइवर्स हैं वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाते हैं। तो बस दैट वॉज इट, एंड दैट इज़ हाउ यू इंस्टॉल विंडोज़ इन अ लैपटॉप और अ पीसी। और बस ऐसे आप किसी भी कंप्यूटर या किसी भी लैपटॉप के अंदर सक्सेसफुली विंडोज 10 को इंस्टॉल कर सकते हैं विदाउट एनी इश्यूज व्हाटसोएवर। कोई अगर आपको आता है डाउट तो जरूर कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इन द नेक्स्ट वन गाइस, टेक केयर एंड जॉनी आउट। फॉलो करें मुझे ऑन माय इंस्टाग्राम का पेज, दैट इज टेक फेस ऑफिशियल। दैट्स इट, पीस।